नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीतू रसोई में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल में पालक मिक्स करके। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मसूर दाल और अरहर दाल लिया है और थोड़ी सी मैंने चना दाल मिक्स कर रखी हूँ। मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। देखिए, ये मैंने वॉश कर लिया है तो मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ। ये डाल करके मैं पालक को कट कर लिया है, मैं उसे भी डाल देती हूँ। इसे डाल करके अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करना है। जितना आप दाल डालें उस क्वांटिटी में आप पानी डालना है। मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है और हल्दी हाफ चम्मच मैंने यूज कर रही हूँ। अब इसे मैं ढक्कन लगा करके गैस पे चढ़ा दे रही हूँ, ऑन कर रखा है मैंने। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है, 1 ओनियन, हरी मिर्च, लहसुन लिया है। इसे मैं कट कर लेती हूँ। देखिए, मैंने कट कर लिया है, टमाटर भी मैंने कट कर लिया है। तो ये इसे मैं पकने देती हूँ 5 सीटी लगने तक। मैं देखिए, ये लग चुका है मेरा, हो गया है। तो मैं ऑयल गरम हो गया है, मैं लहसुन डाल दे रही हूँ। ये थोड़ा सा भुन जाए तो मैं हरी मिर्च और प्याज को भी डाल देती हूँ। इसे भून लेती हूँ मैं। देखिए, ब्राउन हो चुका है, प्याज भून गया है। मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। चला करके इसे ढक देनी है 5 मिनट के लिए। देखिए, मेरा 5 मिनट हो गया है तो उतनी अच्छे से तो नहीं पक गया टमाटर। फिर से मैं ढक देती हूँ। पाँच मिनट इसे और पकने देना है। तो देखिए, 5 मिनट हो चुका है तो मेरा टमाटर यहाँ पे पक चुका है पूरे तरीके से। मैं इसमें दाल को डाल देती हूँ। देखिए, ये मैंने डाल दिया है, इसे चला लेती हूँ और मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखिए, मेरा हो गया है तो मैं ऊपर से धनिया पत्ता डाल देती हूँ। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यकीन मानिए, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छी लगता है खाने में। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।